हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल इट इज नाइन जनवरी आई एम प्रशांत एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडेज द हिंदू करंट अफेयर्स ठीक है तो आज देखिएगा व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए स्मॉल पॉइंट है लेकिन अफकोर्स इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो न्यूज है इतनी वो इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ओके वो सेंचुरी जो है इसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है एस एच क्यू न्यूज में दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ठीक है और उसके रिगार्डिंग और भी थोड़ा स्टैटिक एस्पेक्ट इसका हम कवर कर लेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिगार्डिंग दी एल के नाइन मटेरियल ओके तो ये मटेरियल क्या है ये मटेरियल के रिगार्डिंग सुपर कंडक्टिविटी के कुछ क्लेम्स किए गए हैं ओके सो व्हाट इज दैट क्लेम ओके व्हाट इज दिस मैसनर इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके

ओके इट इज इन और इसको भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज भद्रा रिवर जो है दैट दिस पर्टिकुलर सेंचुरी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो ये 1951 में ही सेंचुरी किया गया था और इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया है 1988 में तो यहाँ टाइगर रिजर्व भी है ओके okay, और भद्रा रिवर के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट अगर यहाँ का फ्लोरा देखा जाए ओके okay, तो वो है एक्चुअली माथी नंदी होने टास

अब डिफरेंस क्या है फिर दोनों में जनरली जो, जो नेशनल पार्क होता है ज़्यादा रेगुलेशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कुछ कुछ एक्टिविटीज नेशनल पार्क में ऐसा होगा कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाएगी फॉर एक्साम्पल ग्रेजिंग होगा हंटिंग होगा फॉरेस्ट कल्टिवेशन बाकी कुछ कुछ ऐसे होगी कुछ कुछ एरिया में नेशनल पार्क ये okay? life, की ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाएगा ओके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में ये कुछ केसेस में अलो किया जा सकता है ओके okay? तो ऐसा अगर देखा जाए तो हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है ये आपको नेशनल पार्क में मिलता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेसिस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हालांकि हालांकि इनकी कॉन्जर्वेशन वैल्यू में डिफरेंस क्या है ऐसा कहीं भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं दिया गया है इंपॉर्टेंट थिंग है काफी याद रखना ओके okay. कि इफ समवेयर नेशनल पार्क इज स्टाब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अंदरब्लिश की जाते हैं तो कौन सा ज्यादा कॉन्जर्वेशन करता है फॉरेस्ट का कौन सा कम करता है क्या है ऐसा कोई कॉन्जर्वेशन वैल्यू के रिगार्डिंग डिफरेंस जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं दिया गया ये तो बस हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमें याद रखनी ओके सो दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फाइन अब आगे देखा जाए तो जनरली नेशनल पार्क की है प्रॉपरली डिफाइन की जाती है लॉज में प्रॉपरली डिफाइन की जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री जो है इतनी प्रॉपरली काफी बार क्या है इतनी डिफाइन नहीं होता है आयुसीएच कई इसके देखा जाए तो देखो आयु जो है ओके okay, आयुसीएन ने अपने कुछ कैटेगरीज क्रिएट की है प्रोटेक्टेड एरिया की तो अगर इंडिया का नेशनल पार्क देखा जाए तो आयु सी की कैटेगरी टू में आता है ओके okay? और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है कैटेगरी फोर में काफी बार ऐसा भी होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्पेसिफिक कॉन्जर्वेशन देती है मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिस को ही प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है क्रिएट किया जा सकता है

ओके okay. लेकिन अगर इस एरिया को एक बार डिक्लेयर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ओके okay, और अगर बाद में उसकी बाउंड्री चेंज करनी है इफ दे वांट टू डू एनी चेंज देयर बाउंड्री लेटर ओके तो दैट कैन नॉट बी डन एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ओके तो स्टेट गवर्नमेंट को फिर वैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का रिकमेंडेशन या परमिशन लेना होगा देन ओनली दैट बाउंड्री ऑल्टरकेशन कैन हैपन अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इसको फर्स्ट इंस्ट्रांस में ओके okay? चलो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट हुए इसके अब हम जाते हैं आगे न्यूज इज दैट इज साउथ कोरिया जो हिंदू का साइंस सेक्शन इसमें न्यूज था दैट इज साउथ कोरिया सुपर कंडी क्लेम ओके तो ये क्या है और एक्चुअली क्या न्यूज है ये लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर देखिएगा लास्ट ईयर क्या होता है कि देर वेर सर्टन रिसर्च इन साउथ कोरिया ओके दे हैड डेवलप्ड मटेरियल जिसको they had given a name that is LK99. अब इस नेम को भी थोड़ा याद रखना किसके और ये एल के नाइन नाइन मटेरियल जो है ये सुपर कंडक्टर है या सुपर की जो प्रॉपर्टीज है ये एक्चुअली एग्जिबिट करता है ओके okay? अब सर क्या सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या फर्स्ट टाइम ऐसी एक्जिबिट होगी नहीं

एंड देन देड कि ऐसा एक्चुअली जो है ये मटेरियल नहीं कर रहा है okay? so, ऐसे थी। अब फिर से ये न्यूज में क्यों बिकॉज अगेन सर्टन साइंटिस्ट फॉर जापान एंड चाइना ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई दो मटेरियल को उन्होंने रिसर्च करने का ट्राई किया और उनका कहना है कि नहीं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके साइंस से दिखा रहा है ऐसे कुछ कंडक्टिविटी के ओके okay? की हो सकता है कि जो उनका क्लेम है वो सही होके सो दैट इज ओवरऑल इश्यूर हिस्टर अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है ओके सुपर कंडक्टर बेसिकली इज मनी मटेरियल, ओके दैट एक्चुअली ऑफर्स नो रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी ओके ओके जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए ओके okay. कोई भी एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है उसको कहा जाता है सुपर कंडक्टर जनरली कोई भी मटेरियल कॉपर हो ओके okay. कोई भी आपका मटेरियल जो होता है जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसका किस ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ओके okay. और उस रेजिस्टेंस की वजह से आपको स... कुछ लॉस भी होता है वहां ओके okay. अब यहाँ क्या होता है कि ये मटेरियल ऐसा होगा कि जो बिल्कुल कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता है ओके okay. कर... इलेक्ट्रिक करंट के लिए बिल्कुल कोई रजिस्टेंस एक्चुअली नहीं दर्शाता है okay. ओके और होता का ये एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही वो कर पाता है लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऐसा हर हर मटेरियल का अलग अलग हो सकता है ऐसा हर मटेरियल का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे या उससे कम अगर है ओके okay, फाइन तो फिर इंश्योर सुपर कंडक्टिविटी वहां होगी तो ऐसे एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम डाइ बोराइड है ओके okay, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ दिया है ओके okay, निबो नियोबियम है कॉपर ऑक्साइड है ओके okay, बेरियम है आयरन ऐसे कितने सारे Uh, uh, आप कह सकते हो कि अलग अलग ऐसे मटेरियल्स है okay, कि जो उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के हर एक का अपना अपना अलग हो सकता है उस सुपर कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं दिखाते ओके okay. और जनरली ये क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है काफी लो टेम्परेचर होता है ओके इट विल बी वेरी लो टेम्परेचर जनरली क्रिटिकल टेम्परेचर जनरली काफी लो टेम्परेचर होता है ओके okay. उस टेम्परेचर पे ही एक्चुअली ये सुपर कंडक्टिविटी की ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ओके फाइन और

अब इस मटेरियल के बारे में देखिएगा अभी हमने क्या देखा कि और जनरली देखिएगा हर कोई सुपर कंडक्टर के बारे में अभी मैंने क्या बताया कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है काफी लो होता है मतलब काफी लो टेम्परेचर है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जब होगा काफी कम जीरो डिग्री से एक्चुअली काफी कम एक्सट्रीमली जब लो टेम्परेचर है तो उस वक्त ही सुपर कंडक्टिविटी ये दर्शाता है या फिर कुछ मटेरियल में ऐसा पाया गया कि काफी हाई प्रेशर है एक्सट्रीमली हाई प्रेशर अगर होगा तभी वो सुपर कंडक्टिविटी बताती है होती है ओके okay? तो नॉर्मल टेम्परेचर लेकिन हम कोई भी मटेरियल यूज कब करेंगे हमारे घर में लेट से इलेक्ट्रिक वायर है या इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है वो तो नॉर्मल जो होता है है रूम उसी पे होती ना उस उस वक्त तो हम ऐसा सुपर क्रिटिकल कोई लो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं रख सकते ओके okay? तो यल के इस मटेरियल की बेसिकली एल के नाइन नाइन मटेरियल की खासियत यह है कि उनका कहना है कि देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमारे जो होता है उस पर ही ये दिखाता है सुपर कंडेक्टिविटी ओके फाइन सो सुपर

बट इस आर्टिकल में ओके, द हिंदू का जो ओपिनियन सेक्शन है उसमें जो आर्टिकल है इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिया गया है सबसे ज्यादा जे आई टैक्स है कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा जे आई टैक्स है तो यू डिस्कस दैट लेकिन उससे पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्चुअली होता क्या है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग ओके सिंपल वे में काफी सारे आपके स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बेसिकली होता क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ओके इज अ टैग गिवन टू द प्रोडक्ट्स ओके विच हैव सर्टेन क्वालिटीज ओके स्पेसिफिक ड्यू टू ज्योग्राफिकल ओरिजिन मैं आपको समझाता हूं क्या होता है

ओके okay, लेकिन एक मतलब जो IPR उसमें है वो जिया है वो okay? ओके और उसको प्रोटेक्ट हर कंट्री को जो मेंबर कंट्री डब्ल्यू टी को उसको करना होता है तो इसलिए इंडिया ने ओके okay, अपना खुद का एक्ट भी इसके लिए क्रिएट किया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट और इस एक्ट के अंडर जी आई टैक्स दिया जाता है ओके और उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो होती है एजेंसी होती है दैट इज बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ओके दिस इज द डिपार्टमेंट विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच लुक्सर दिस जी आई टैग ऑन ऑल दिस जी आई टैग जो इंडिया में दिया जा जाता है ये दस साल के लिए दिया जाता है कितने टेन ईयर और उसको फिर से रिन्यू भी किया जा सकता है तो कोई अगर प्रोडक्ट को जी आई टैग नेट से दे दिया अगर गवर्नमेंट ने ओके तो ये फिर से दस ईयर के बाद इसको रिन्यू भी किया जा सकता है जैसे रिसेंटली okay? लास्ट वीक में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट से जी आई टैक्स मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स वेर दियर फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन हनी है दैट वॉज गिवन जी आई टैग तो क्यों क्योंकि उस हनी की अपने कुछ क्वालिटीज है जो जनरली सुंदरबन में प्रोड्यूस होता है इसलिए okay, तो उसको जी आई टैग दिया गया है दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम्पल कोंड शॉल है उड़ीसा की उसको जी आई टैग रिसेंटली एक्चुअली दिया गया है right. तो दिस इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर और एक दो चीजें आप याद रखना कि देखिएगा जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी उसी एरिया में होगा फॉर okay. एग्जाम्पल याद रखना वाराणसी का जो पान है जिसको हम बनारस पान कहते हैं okay? पान बट तो है, इस, okay? इसका मतलब अब इसको जेटैक क्यों मिला है बिकॉज ये पर्टिकुलर पान जो आप खाते हुए बनाया जाता है कहा पे वाराणसी में okay? बनारस में और उसकी अपना कुछ फ्लेवर यह सब कुछ है नाउ यहाँ मतलब इसका मीनिंग ये नहीं कि सारा रॉ मटेरियल इसका बनारस में मनना चाहिए वेस्ट बंगाल से आता है उड़ीसा से आता है, से आता है। okay. लेकिन बाकी सारा असेंबली पान बनाना फिर वो सब कुछ आपको देना ये बनारस में किया जाता है और इसलिए उसको बनारस पान कहा गया है सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट की सच प्रोडक्ट्स नीड नॉट ने

या सुंदरबन हनी के केस में हो रहा है क्योंकि हनी रॉ मटेरियल पूरा हनी वही क्रिएट हो रहा है सुंदरबन में रॉ तो मटेरियल नहीं आ रहा है सेकंड okay? so, थिंग क्या फायदा होता है इसका फायदा ये होता है कि वंस अ प्रोडक्ट इज जी आई टैग तो बाकी रीजन के प्रोड्यूसर ओके फॉर एग्जाम्पल अगर सुंदरबन हनी हैज हैजिन जी आई टैग तो बाकी रीजन के प्रोड्यूसर जो है ये नेम यूज नहीं कर सकते उनका हनी प्रोड्यूस बेचने के लिए बस सुंदरबन के जो लोग हैं वही के वो जो भी एरिया उसका डिफाइन है वही के लोग ये हनी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये बेच सकते हैं उस नाम से दूसरा कोई भी हनी प्रोड्यूस कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है उस क्वालिटी का भी कर सकता है बट उस नाम से नहीं एक्चुअली वो सेल कर सकता फॉर दार्जिलिंग टी है तो दार्जिलिंग टी जैसा टी बाकी जगह पे भी प्रोड्यूस हो सकता है शायद उससे अच्छा भी कर सकते हैं सेम फ्लेवर भी कर सकते हैं लेकिन दार्जिलिंग टी से फिर वो बेच नहीं सकते बाकी जगह के प्रोड्यूसर तो बस दार्जिलिंग के प्रोड्यूसर से वही से उस तरीके से बेच सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको थोड़ा सा याद रखिएगा प्रस पॉइंट ऑफ व्यू से अब डेटा देखते हैं क्या डेटा ये कहता है कि सेवन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक का अपडेटेड डेटा है ओके और जे आई टैग्स है कि 500 जो है ओके इंडिया में है, तो फाइव हंड्रेड प्लस आपको से हो चुका है ज्यादा हो चुका है ऐसा नहीं है तो फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड जो है जे आई टैग इंडिया में एक्चुअली है यहाँ पे ओके और उसमें अगर देखा जाए तो मल्टीपल मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर

ओके okay. और इस फाइव कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उनको जे आई टैग इंडिया में कहीं ना कहीं मिला है जे आई टैग मिला है ऑलमोस्ट मोर देन हाफ दे हैव गॉट द जे टैग कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा जियोग्राफिक इंडिकेटर्स दिए गए हैं दैट इज तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है यूपी थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटक फोर्थ पे आता है केरला फिफ्थ पे जो है महाराष्ट्र तो इस सीक्वेंस में एक्चुअली है Fine. तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा आज जी टैग है, okay. अब इसका मतलब है नहीं कि में सबसे ज्यादा कल्चरल अलग हेरिटेज बाकी स्टेट्स में।, में कम जे टैग है तो वहां भी हो सकता। ऐसा नहीं। okay. अब अगर और एक चीज देखी जाए इसमें तो कुछ ऐसी प्लेसेस है फॉर एग्जाम्पल बनारस बनारस इज वन सिंगल प्लेस प्लेस बह स्टेट नहीं बनारस इज वन सिंगल प्लेस विच हैज इलेवन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जेक्स

आउटसाइड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो और दूसरा इसका और एक पर्पज ये होता है कि अकॉर्डिंग टू देम ये कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट करता है एनवायरमेंटल है है लेकिन एक इकोनॉमिक भी इसमें कैसे इकोनॉमिक अब यू में अकॉर्डिंग टू उनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनके कंट्रीज में ओके okay. उनको तो काफी सारी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंट स्ट्रिक्ट कुछ टेक्नोलॉजी उनको यूज करनी पड़ती है स्ट्रिक्ट ये होता है तो उस वजह से उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है ओके okay. और बाहर से वो जो इंपोर्ट करते हैं उस कंट्रीज में रेगुलेशन कम होते हैं तो वो तो काफी आप कह सकते हो कि लेसर प्राइस में एक्चुअली उसको बेच सकते हैं स्पेशली जैसे चाइना जैसा है ओके okay. काफी लेसर प्राइस में EU में यू बेच देगा ये तो यू का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इसके हार्म हो जाता है व्हाई बिकॉज दे दे आर आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स ओके बाइंग देयर डोमेस्टिक सर्टिफिकेट्स ऑल्सो रिगार्डिंग दिस गैस दिसंस और बाहर का प्रोडक्ट जिसमें इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है वो वो बस

ओके okay. तो उस मटेरियल के जो मैन्युफैक्चरर्स है या यू में जो इंपोर्टर्स है उनको डेटा फर्निश करना होगा कि कितना ग्रीन हाउस का इमिशन उसके प्रोडक्शन के दौरान एक्चुअली हो रहा है ओके okay? तो फर्स्ट हम कह सकते हैं काइंड ऑफ डेटा गैदरिंग की एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दे विल हैव टू फर्निश द डेटा कि लेट से दे आर इंपोर्टिंग समथिंग स्टील फ्रॉम इंडिया लेट से तो इंडिया से जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है तो स्टील पे कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उस फैक्ट्री में कैसा होता है ये सारे उनको यहाँ डेटा गैदरिंग इस पर्टिकुलर इस इसमें होगा

जिसका वर्थ है 8.2 पॉइंट टू बिलियन अर यह होता है यूरोपियन यूनियन को एंड दिस इंडस्ट्री इज हाईली ग्रीन हाउस गैस इमिटिंग एजेंसी इंडस्ट्री तो अफकोर्स द फ्यूचर ओके इसी तरीके से ओवरऑल इंडिया के प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू यू यू इंडिया के प्रोडक्ट ये ज्यादा कार्बन इमिटिंग है क्यों क्योंकि तो इंडिया में जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है ये कहीं ना कहीं

तो ये आर्टिकल बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट ओके, इसकी कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करता है ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इश्यू किया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गाइडलाइंस क्या है इन ऑर्डर टू इनकलकेट दी एथिक्स एंड वैल्यूज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटिंग गाइडलाइन

इसके साथ साथ इट ऑल्सो द क्रिटिकलिटी ऑफ दी थिंकिंग ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्टेक होल्डर हो दे शुड ऑल बी एबल टू थिंक फ्रीली ओके ये शुड ऑल बी एबल टू इट्स टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी ट्रस्टीशिप हार्मनी अकाउंटेबिलिटी इन ऑल दिस थिंग्स ओके फाइन देन इट से जो मैनेजमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ओके दे मस्ट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन जो भी होगा टीचिंग हो कंटेंट okay. किसी चीज का हो, लर्निंग है रिसर्च है इस सब में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का काम होगा कि वो एक कंजेंट क्रिएट करे ओके, फाइन जो ऑफिसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के दे शुड नॉट एक्सेप्ट एनी फेवर सर्विस ओके

तो उनको भी बताया गया है कि दे शुड एक्ट इन सच ए वे दैट दे शुड सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड रेज द इश्यूज इन डिग्निफाइड मैनर इन शॉर्ट ये गाइडलाइन ये कहती है कि स्टूडेंट्स ने ज्यादा कुछ रकस ना क्रिएट करना क्या क्रिएट करना अगर उनकी जो भी डिमांड है डिग्निफाइड मैनर में डिग्निफाइड मैनर इज द वर्ड दैट इज मैं विच इज वेरी वेग वर्ड बट मे बी यूजेसी एक्सपेक्ट्स कि स्टूडेंट्स ने डिसिप्लिन दिखाना चाहिए ज्यादा आंदोलन वगैरह मत करना डायरेक्टली हमें आपकी डिमांड है वो आप बताइएगा

ऑफ क्रिएट गाइडलाइंस फॉर अर्टन सेक्टर ओके तो आप उसको यहाँ लिख सकते हो ये कुछ गाइडलाइंस आपको उसमें मदद कर सकती है ओके okay? चलिए तो इसी के साथ हम आज का क्लास एंड करता है वी हैड डिस्कस मल्टीपल टॉपिक्स ओवर हियर थैंक यू थैंक्स लॉट